दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं और रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए थे उन छात्रों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा न्यूज है, क्योंकि यहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दी है। तो आइए जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक आप करवा सकते हैं। जो भी छात्र छूट चुके हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने हेतु कक्षा 9वीं में अध्ययनरत नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छूटे हुए छात्र छात्राओं के लिए विलम्ब शुल्क के साथ पंजीयन अनुमति आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु तिथि विस्तार किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर है कि विद्यालय में 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत सत्र 2018-19 में पंजीयन से वंचित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय प्रधान द्वारा समिति के वेबसाइट www.biharboard.online पर विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीयन अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 29/4/2019 से 5/5/2019 तक अवधि में पुनः विस्तारित की जाती है। यानी आप 29 अप्रैल से 5 मई तक आप पुनः अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन छात्रों का मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप लोग जानते हैं कि इस बार मैट्रिक में ही रजिस्ट्रेशन दिसंबर में हो गया था। अब यहाँ पर हम बात शुल्क कर लेते हैं कि आपको कितना राशि देना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो आपको जो है नियमित जो भी रेगुलर कोटि के स्टूडेंट हैं उनको 220 रुपया लगेगा, वहीं जो स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट हैं उनको 320 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि आप कब से कब तक पुनः रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस भी किसी दोस्त का आपका छूट गया है ताकि वे भी इस जानकारी को पाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।